कि वो बोला कि फरिया ले आके, तो भाई जी बोले कि अभी नहीं, तो बोल कि नहीं गुआर के बच्चा है तो फरिया ले आके, तो भाई जी बोले कि अभी बहुत रात है सुबह आएंगे, तो बोल कि नहीं अभी। तो आपके माँ या बहन के बारे में कोई कुछ भी कहेगा तो आपको क्या गुस्सा नहीं आएगा? इसीलिए भाई जी को हम लोग मना करते करते रह गए, इतना रात है नहीं जाइए, लेकिन वो गुस्सा की वजह से कभी नहीं। किसका है? बल्कि पंकज ने दी थी सोनी को। बातचीत करने के लिए सोनी यादव की छोटी बहन है, आइए इनसे हम जानने की चाहेंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था उस दिन। आप सोनी की कौन है? सोनी से छोटी वाली बहन। छोटी बहन जी। आप सोनी बातचीत करती थी 6 महीने से, आपको पता है? नहीं पता। आप लोग नहीं पता था? नहीं। अच्छा, ये जो फोन है जिससे मैसेज आया है, ये फोन कौन किसका है? बल्कि पंकज ने दी थी सोनी को। अच्छा, पंकज दी थी सोनी को। अच्छा, वो जो मैसेज आप दिखा रही थी, थोड़ा दिखाएंगे एक बार? मैसेज दिखाइए। मतलब कि 3-4 मैसेज है, एक दिखाइए कैमरा पर दिखाइए। और 3-4 मैसेज कौन किया है? उन्हीं का नंबर है। अच्छा, पंकज किया था। एक है कॉल मी। अच्छा, फिर है कॉल मी। एक है आज मरने के लिए सोच। अच्छा, ये कौन मैसेज किया है? पंकज। एक और मैसेज। फोन कौन दिया है? उन्हीं का। पंकज का फोन है? पंकज दिए। देखिए, एक मरने के लिए सोच रहे। पंकज फोन दिए हैं किसको? सोनी। बातचीत करने के लिए जी। तो बातचीत होती थी पिछले 6 महीने से, आप लोगों को पता नहीं चला? नहीं पता। और क्या कहना चाहेंगे आप इस घटना को लेकर? इस घटना को लेकर क्या कहेंगे, मेरे पापा भाई नहीं है खूनी, उन्हें छोड़ दिया जाए। और हम तो ये भी छोड़ ऐसे नहीं दिया जाए, जांच करके छोड़ दिया जाए। पुलिस प्रशासन बहुत ढीला कर रही है, बहुत। अगर इतना ही उनको हमारे फंसाना है तो उसी दिन फंदे से जो लटका था उस कपड़ा को जांच किया है। और उनके पिताजी का कहना है जो हम लोग ने खून किया, तो पहले हमारे परिवार को फिंगर का जांच किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं, 10 रोज हो गया लेकिन कभी ये। उनके पिताजी ये बोल रहे हैं जो हमारे भाई जी उनको बुला के ले गए हैं, मतलब कि बुला के ले गए, मेरे भाई जी थे ही नहीं तो बुला के क्या ले। और ये भी उनके पिताजी कर रहे हैं कि कॉल करके बुलाए, तो ठीक है कॉल करके बुलाया है तो कॉल डिटेल निकलेगा ना, जे मेरे भाई जी कॉल उसमें बुलाए हैं या नहीं बुलाए हैं ये तो पता चलेगा ना। फिर ये बहुत जल्द ये जांच नहीं कर रहे हैं पुलिस जो उस कपड़ा में किसका फिंगर, आज 10 रोज हो गया है। लेकिन अगर जांच कर लिए होते तो आज ये मामला इतना नहीं बड़ा होता, लेकिन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपके परिवार की तरफ से पंकज को मारने की धमकी दी गई थी? जी। कौन धमकी दिया था? भाई जी, पापा जी। उस दिन फोन आया ना तो भाई जी के हाथ में फोन था, तो मतलब कि उन ये लड़का इसमें चलता था, भाई जी और से बात करता था तो पता आवाज़ से पता चल गया। अच्छा। तो वो ऐसी कुछ कुछ बोला, लेकिन भाई जी हम लोग को नहीं बताए, मम्मी बहन आर के बारे में कुछ कुछ बोला। तो बोला भाई जी बोले कि वो बोला कि फरिया ले आके, तो भाई जी बोले कि अभी नहीं, तो बोल कि नहीं गुआर का बच्चा है तो फरिया ले आके, तो भाई जी बोले कि अभी बहुत रात है सुबह आएंगे, तो बोल कि नहीं अभी आ। तो आपके माँ या बहन के बारे में कोई कुछ भी कहेगा तो आपको क्या गुस्सा नहीं आएगा? इसीलिए भाई जी को हम लोग मना करते करते रह गए, इतना रात है नहीं जाइए, लेकिन वो गुस्सा की वजह से कभी नहीं। और उसी के एक हफ्ते बाद उनका मौत हो गया, तो इसी के कारण वो लोग हम लोग को फंसा रहे हैं। इसी बात को लेकर उन पुलिस यानी कि वो लोग कह रहे हैं जो डॉग आया था वो मैंने कि सोनी के घर पर से खींच लिया गया। लेकिन वो डॉग आया सबसे पहले उन्हीं के गांव में गया, सबसे पहले लास्ट लंग से सबसे पहले उन्हीं के गांव में गया। लेकिन हमारे इधर आया तो यहां से सीधे वहां गया, वहां से सीधे चला गया, मतलब कि हमारे घर पे नहीं आया डॉग, मतलब कि वो लोग ये भी कह रहे हैं। और ये उनको खुद पता नहीं है कि हमारे बेटे का कौन क्या शक के आधार पर फंसा रहे हैं। अच्छा, आपके दीदी से भेंट वेंट भी होता था पंकज का? ये हम कैसे बता सकते हैं। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोनी यादव की छोटी बहन थी और हम तमाम चीज़ों पर बातचीत किए हैं। अब एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं, आप बिहार 100 चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।